हेलो एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू स्टडी आई एस आई होप यू आर डूइंग वेल कैसे हो आप सब स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज ए ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू मंडे का है दिन देखते हैं आज के न्यूज़ पेपर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिले पर उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड कभी कभार आप सोचते होंगे कि यू की प्रपरेशन के दौरान इतने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ते हैं क्यों हमारे पास जनरलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की हर डोमेन के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो एंड इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर आप क्यों जाना चाहते हो जिससे आप सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज ला सको देश के लिए कुछ वर्क कर सको तो नॉलेज उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमें थोड़ी सी जनरलाइज नॉलेज होनी चाहिए कि देश में विदेश में क्या चल रहा है ग्राउंड रियलिटीज क्या है ऑल ऑफ दिस ठीक है तो एजुकेशन को हमेशा मोस्ट पावरफुल वेपन के तौर पर लो एंड जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग uh, पे अपने ध्यान देंगे जितना ज़्यादा आप अपने आप को और भी लिटरेट बनाने पे ध्यान देंगे और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट ओवरऑल हो पाएगी चलिए पेज नंबर वन पर देखते हैं इंडिया रेफर्स टू ताइवान स्ट्रेट मिलिटराइजेशन इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस बात को बोला है कि द मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट इससे पहले हमने इसके रिगार्डिंग कभी भी कोई बात नहीं बोली डिप्लोमेटिकली हमेशा हमने प्ले करने की कोशिश करी है क्योंकि हम नहीं चाहते इस समय कि हम कोई भी टाइप का पोलराइज्ड कोई भी स्टेटमेंट दें या फिर हम चाइना के अगेंस्ट आएँ या फिर हम ताइवान के आ, प्रो आएँ ठीक है हम बेसिकली डिप्लोमेटिकली प्ले करने की कोशिश करें गुड मॉर्निंग जैसी तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रेफ़र किया इस एरिया को ताइवान स्टेट के एरिया को द मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट ठीक है ये चीज़ हमने बोली है एंड ये हमने रिगार्डिंग बोला है चाइनाज़ एक्शन टूवर्ड्स द ताइवान तो ये एक बहुत आ, एक एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है कि वी आर कमिंग आउट राइट नाउ एंड हम थोड़ा सा आगे स्टेटमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल्सो तो देखिए इंडिया के अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपने एक शिफ्ट देखा होगा कुछ दिनों से ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं पहले क्या था वी वर ऑब्स्ट्रेनिंग आर सेल्फ वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले वेरी डिप्लोमेटिकली चाइना के रिगार्डिंग हम कोई भी ऐसी बयान नहीं दे रहे थे एंड बॉर्डर इश्यूज भी हमारे साथ चाइना के साथ हमें पता है कि कितने मेजर हो रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ नहीं बोल रहे थे पर ताइवान के इशू के बाद Uh, जब हमने देखा कि एक आइलैंड नेशन इतना प्रॉपरली चाइना के अगेंस्ट आ रहा है या फिर चाइना उनके साथ जो भी कर रहा है उसके लिए वो सामने अपने लिए खड़ा हो रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होके वी आर कमिंग आउट एंड हम इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को हमारे uh, जो बॉर्डर है उसकी रिस्पेक्ट रखनी होगी एंड अभी हमने रिसेंटली मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट ठीक है ये वर्ल्ड रेफर किया है टू द चाइना एक्शन टूवर्ड्स ताइवान तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं विद टाइम ये बेसिकली जिस तरीके से हम हैं ठीक है इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसमें एक शिफ्ट आ रहा है ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए ये रहा चाइना ये रहा ताइवान ठीक है एंड यहाँ पे बीच में आपको नैरो स्ट्रेट देखने को मिलती है ताइवान स्ट्रेट तो यहीं पर टेंशन हुए थे नैन्सी पेलोसी यूएस स्पीकर जब ताइवान के अंदर आई थी उसी के बाद से टेंशन स्टार्ट हो गई थी चाइना जो है उन्होंने फायरिंग एंड ऑल ठीक है मिलिट्री ड्रिल एंड ऑल ये सब स्टार्ट कर दिया एंड ताइवान स्टेट के अराउंड उन्होंने टेंशनस पैदा कर दी इसी की वजह से आ, जो रोड की कनेक्टिविटी जो बेसिकली मेरी कनेक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो गई ठीक है एयर स्पेस में भी हमें आ, एक तरीके से परेशानी देखने को मिली तो ये पूरा सिनेरियो हुआ था एंड उसी के बैकड्रॉप बेसिकली यही बैकड्रॉप है एंड इसी के रिगार्डिंग हमने फर्स्ट टाइम रेफ़र किया है द मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रियलिटी ये ऐसा दिखता है ये जो छोटा सा स्ट्रेट है ये है ताइवान स्ट्रेट चलिए अब देखिए कल की अगर हम बात करें कल पूरे दिन न्यूज़ में दो ही चीज़ें थी पहले तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच एंड दूसरा ये था कि ढाई बजे के अराउंड क्या होने वाला है ये जो ट्विन टावर हैं इनका डिमोलिशन होने वाला है तो आप लोगों ने इसको न्यूज़ चैनल पर देखा भी होगा सोशल मीडिया हर जगह पर है इसके रिगार्डिंग मीम्स भी बन रहे थे तो हुआ क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो सुपर टेक है आ, उसके रिगार्डिंग ये पूरा सीन था इसको हमने कल भी कवर किया था आ, पहले तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि ये इ कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको आपको डिमोलिश करना होगा एंड उसके बाद सुपर टेक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास गई एज दी अनदर अपील ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर पर इसी चीज़ को रीस्टेट किया कि इसका डेमोलिशन होगा क्यों क्योंकि ये इ कंस्ट्रक्शन है ये ग्रीन कवर पर कहीं ना कहीं बनी है एंड इसी के रिगार्डिंग हमें ये देखने को मिला कि कल फाइनली इसको ये ढह गया ठीक है एक तरीके से एक गिर गया एंड प्रॉपर वे में ये चीज़ हुई आसपास के जो लोकेलिटी के लोग थे उन सबको कह दिया कि आप सेफ़ जगह पर चले जाओ एंड सारी जो बिल्डिंग जो पास में थी जिससे उनको इम्पैक्ट नहीं हो उनके ऊपर एक जियो टेक्सटाइल की एक लेयर लगा दी यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है थीके? ये जो सफ़ेद रंग की आपको देखने को मिल रही है इसलिए था जिससे डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाए एंड जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करी गई दैट वॉज वाटरफॉल मकानिज्म वाटरफॉल मैकेनिज्म में ये हुआ कि आगे वाले जो थे वहाँ पर आप देखेंगे पहले वहाँ पर हमें एक्सप्लोशन देखने को मिला एंड पीछे के जो फ्लैट्स थे वहाँ पर लेट हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा स्ट्रेट गिरा है ठीक है तो वाटर फॉल की तरह वो गिरा है एंड इस तरीके से ये चीज़ एश्योर करी गई कि आस की जो बिल्डिंग्स हैं उनको हार्म नहीं हो ऑल्सो ये जो डेबरेस है ये प्रॉपर वे में उस जगह पर आए जहाँ पर खाली है तो ये हमें देखने को मिला कल डेमोलिशन था ढाई बजे के अराउंड हुआ था एंड इंडिया में कितने सारा मतलब आप कोई भी चैनल देख लो यही चीज़ चल रही थी ढाई बजे सब लोग देख रहे थे कि ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है दो पहले भी हुआ है डेमोलिशन पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स का जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची हैं ये हमें फ़र्स्ट टाइम देखने को मिला तो इट वाज रियली समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि हमें देखने को मिला एंड कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था इंडिया जीत भी गई तो दो चीज़ें हमें कल मेजर uh, देखने को मिली न्यूज़ के अंदर हाई टीआरपी इशूज़ यही दोनों थे चलिए अगला देखते हैं काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रीहैप सेंटर कंप्लीट्स ट्वेंटी ईयर द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रीहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन एट पनबारी नियर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइजर टाइगर रिजर्व जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं ट्वेंटी ईयर्स अब देखिए ये जो सेंटर है फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबलीटेशन एंड कंजर्वेशन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि ये अमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सके स्पीशीज़ को वाइल्ड लाइफ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके रिहेबिलिटाइजेशन दे सके इंडिजीनियस वाइल्ड एनिमल्स को ठीक है इसके रिगार्डिंग इसने काम किया है इसने अभी ट्वेंटी ईयर्स कंप्लीट कर लिए अपने सर्विस के ठीक है तो हमें ये काजीरंगा नेशनल पार्क के रिगार्डिंग ये आर्टिकल एक देखने को मिला है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग आर्टिकल देखने को मिला है कि ये क्या काम कर रहे हैं इन्होंने सक्सेसफुली इस बीस सालों के दौरान इन्होंने क्या काम किया है वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया है कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया है थ्री फिफ्टी सेवन के इंक्लूडिंग एलिफेंट लेपर्ड राइनो ठीक है ब्लैक डियर वाइल्ड बफेलो हॉक डियर ठीक है वाइल्ड लाइफ बोर मंकीस ठीक है बहुत सारी स्पीशीज़ एंड एक तरीके का मॉडल बन गया सी डब्ल्यू आर सी की और सब भी ऐसी टाइप की जो फॉर्मेशंस हैं वो है ठीक है एंड ऐसे ही वर्क करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एंड कहीं ना कहीं असम इसमें सामने हमें आता हुआ नज़र आया ठीक है एक अच्छा एक इनिशिएटिव है ये यह यहाँ पर ये यह बताया गया है एंड बहुत सारी इंजर्ड जो स्पीशी थी या औरफंड थी वाइल्ड लाइफ ठीक है उनको मदद करिए कि वो और बेटर स्टेट में आ सके तो इट हैव रियली वर्कड हार्ड ओवर द टाइम एंड ये ये भी दर्शाता है कि कैसे सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एक साथ वर्क कर सकती है ओवरऑल वेलफेयर के लिए ऑफ दी वाइल्ड लाइफ तो ये एक हमें आर्टिकल देखने को मिला इसके रिगार्डिंग अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इट वॉज़ डिक्लेयर्ड एज़ नेशनल पार्क इन 1974 एंड आल्सो टाइगर रिजर्व सिंस 2007 इट वाज डिक्लेयर्ड अब हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है 1985 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड बर्ड एरिया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्योंकि इस जगह पर हमें बहुत सारी बर्ड्स आते हुए नज़र आती हैं स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वीटी गुड मॉर्निंग आर्या हेलो एवरी ठीक है good morning, good morning, sweetie, morning, Arya, तो ये यह यहाँ पर है उसके बाद देखो ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इट इज़ द होम फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्नड राइनोस पर पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनके यहाँ पर उस, उस उस सेंचुरी में हमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्नड राइनो देखने को मिलते हैं इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोस इन असम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ uh, बोली गई है एंड इट इज़ द होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनोज ये आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क के रिगार्डिंग अब देखिए मच ऑफ द फोकस यहाँ पर बेसिकली चार बिग स्पीशी के ऊपर है दैट इज राइनो एलिफेंट रॉयल बिंगार टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप के थ्रू कहाँ पर है काजीरंगा ये रहा काजीरंगा एंड रिसेंटली हमें देखने को मिला कि 2021 के अंदर दो और को रिकॉग्नाइज किया गया था तो ये कौन से थे एक था रायमोना नेशनल पार्क एक था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ठीक है ये भी यहाँ पर है यहाँ पर आपको देख सकते हैं दिंग दिहिंग पटकाई एंड यहाँ पर है रायमोना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग इंद्रजीत गुड मॉर्निंग चलिए ये जो पर्टिकुलर इमेज है इसी के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि ये जो आर्टिकल है ये जापान के रिगार्डिंग है ठीक है जापान के रिगार्डिंग हमें बहुत दिनों बाद कोई आर्टिकल देखने को मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान ठीक है यहाँ पर है चाइना यहाँ पर है रशिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइलैंड नेशन जापान चलिए जापान कंटिन्यूइंग स्ट्रगल विथ जेंडर पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमें देखने को मिला है एंड ये आर्टिकल इसीलिए आया जैसे इंडिया इससे कुछ सीख ले सके हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि हम 2047 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज़ वी विल कम्प्लीट हंड्रेड ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 2047 तक हम अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा डेवलप्ड uh, बनाना चाहते हैं तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया कि जो गलतियाँ जापान में हमें देखने को मिल रही हैं उससे सीखना है हमें एंड वही गलतियाँ हमें हमारी कंट्री के अंदर नहीं करनी है अब देखो जापान के अंदर क्या सीनारियो है जापान के अंदर काफ़ी लो हमें बर्थ देखने को मिल रहा है एंड जापान ऑल्सो हैव रैंक्ड लोएस्ट अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं 2022 का अब देखो ये जो सिनेरियो है ना इसकी लो रैंक हमें क्यों देखने को मिली है अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज क्यों क्योंकि जेंडर नॉर्म्स वहाँ पर हैं जेंडर नॉर्म्स का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो महिलाएं हैं उनका यही रोल है जो मेल हैं उनका यही रोल है तो एक तरीके से जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है जापान के अंदर एंड इसी के वजह से ये बोला जा रहा है कि लो इनकी जो रैंक है वो हमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है अब देखो जेंडर नॉर्म्स क्या हैं जेंडर नॉर्म्स ये हैं कि जो वुमेन हैं उनका क्या रोल होना चाहिए उनका बेसिकली हाउस होल्ड का काम होना चाहिए कि वो घर पर हैं वो अपने बच्चों को संभाल रही हैं ठीक है ठीके? ये उनका मेजर काम होना चाहिए वेर एज जो मेन है वो लीडरशिप रोल्स को देखेंगे वो इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा बेटर होंगे अपनी फैमिली के लिए कमाएंगे ठीक है बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे ऑफिसर्स होंगे तो ये जो जेंडर नॉर्म्स हैं यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर अब देखो जेंडर इनिकवालिटी इस चीज़ से भी दिखाई जाती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्रोवाइड हो रहा है फीमेल को एज़ कम्पेयर टू द मेल्स ऑल्सो देखो विद द टारगेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पर यह बोला गया है कि हमें इनसे ये चीज़ सीखनी है जेंडर इनिक्वालिटी जो हमारे देश के अंदर है उसके लिए हमें पॉजिटिव कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने हैं जिससे हम उसको इराडिकेट कर सकें एंड पैरिटी लेकर आ सकें मेल एज वेल एज फीमेल के बीच में अब देखो वट एक्सप्लेन्स दिस लो रैंक फॉर हाईली डिवेलप्ड कंट्री लाइक जैपैन देखो जापैन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने डेवलपमेंट मॉडल के लिए एंड uh, काफ़ी एक अच्छी कंट्री है ठीक है वहाँ पर ये बोला जाता है कि लोग काफ़ी सस्टेनेबली हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं दे आर वेरी स्मार्ट बट यहाँ पर हमें जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिल रही है दो यहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर जापान की जो स्थिति है वो अभी भी अच्छी है जैसे कि जब हम एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करते हैं तो अभी भी अच्छा है ठीक है तो हमें एज़ कम्पेयर टू ओ कंट्रीज़ अगर हम देखें तो साइंटिफिक एंड मैथेमेटिकल अगर लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं इट इज़ गुड अमंग द चिल्ड्रन ठीक है स्पेशली जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं या फिर बॉय चाइल्ड की बात करते हैं आल्सो हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द वुमेन अगर हम देखें हेल्थ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो वो भी नियर अराउंड परफेक्ट स्कोर है 0.97 के पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि जो वुमेन है वो लीडरशिप रोल्स के अंदर नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वुमेन होल्ड ओनली टेन परसेंट ऑफ द जापान्स पार्लियामेंट्री सीट्स ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा कम्पे कम है एज कम्पेयर टू द मेल्स जो कि करीबन काफ़ी ज़्यादा ठीक है नाइन्टी परसेंट ऑफ द सीट्स मेल एक्वायर करते हैं ऑल्सो देखो अगर हम जी सेवन कंट्रीज की बात करते हैं जो कि हाईली डेवलप्ड मानी जाती है वहाँ पर अराउंड थर्टी परसेंट है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि इसके ऊपर जापान को वर्क करना होगा ऑल्सो देखो ये सिनेरियो ये नॉर्म कि वुमेन जो है वो बर्थ गिविंग मशीन्स हैं, उन्हें ठीक है कहीं ना कहीं बच्चों का उन्हें ख्याल रखना है पूरी लाइफ ठीक है ये चीज ठीक नहीं है वुमेन एज अ रिसोर्स को भी इस तर, एक तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जब हम रिसोर्स की बात करते हैं खाली मेल्स आगे आए ठीक है ये चीज यहां पर नहीं है ऑल देखो यहां पर बोला गया कि रिसेंटली जापान में ये चीज हुई कि मेडिकल स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुए उसके अंदर वुमेन जो कैंडिडेट्स थी फीमेल कैंडिडेट थी उनके स्कोर को कम करने की कोशिश करी गई जिससे क्या हो कि सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आए हैं वो मेल ही हैं तो ये यहाँ पर ये यह बताया गया कि ऐसी जो चीज़ें जापान के अंदर हो रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि जो जेंडर नॉर्म्स हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसको चेंज करना होगा जो ऑर्थोडॉक्सीज कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं उसको चेंज करना होगा एंड यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है जो कि हम कहीं भी कोट कर सकते हैं कि हाई पर कैपिटल इनकम डज नॉट गारंटी जेंडर इक्वालिटी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसके ऊपर ज़रूर आंसर लिखेगा कि हाई पर कैपिटल इनकम डज नॉट गारंटी जेंडर इक्वालिटी ठीक है तो इसके ऊपर आपके ऊपर ऐसे भी आ सकता है इसके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है अब देखो जापान का सिचुएशन जो है वो हमें यही चीज़ को सर्टेन कर रहा है कि पर कैपिटल इनकम हाई होने से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं ठीक है ये यहाँ पर बोला गया ऑल्सो देखो कुछ चीज़ें जापान के अंदर जैसे कि जो वाइफ होती हैं उनको कनाई बोला जाता है इसका मतलब ये है कि वन इनसाइड द हाउस वेर एस जब ऑफिस वर्कर की बात करते हैं जापान के अंदर दे आर टर्म्ड एज सैलरी मैन जो कि एक जेंडर्ड टर्म है तो ये जो जेंडर्ड जो नॉर्म्स हैं ये जो ऑर्थोडॉक्सीज हैं इनको हटाना होगा अगर जापान को अपने आप को एक तरीके से ऊपर बढ़ाना है इन सब इंडेक्सेस के अंदर ऑल्सो ग्राउंड बेसिस पर अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है ऑल्सो देखिए अगर वुमेन एम्प्लॉयड भी हैं तो देखने को मिलता है कि उनको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती जितनी एक जैपनीज मैन को मिलती है ठीक है अराउंड 57 सेवन ऑफ द मैन सैलरी उनको मिलता है ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा कम है एंड ऑल्सो देखिए बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल में ये नहीं होती छोटे मोटे जो होते हैं टेम्प्ररी उसमें तो फिर भी एम्प्लॉयड हमें देखने को मिल जाती हैं पर लीडरशिप रोल्स में दे आर नॉट देयर ऑल्सो देखिए इसकी वजह से क्या हो गया इसकी वजह से शार्प एक डिक्लाइन देखने को मिला है मैरिज रेट में ऑल्सो फर्टिलिटी में इन जापान अभी क्या हो रहा है वुमेन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ असम लगने लगी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल नॉर्म्स है इसीलिए दे डू नॉट वांट टू गेट मैरिड और दे डू नॉट वांट टू बी प्रेग्नेंट ठीक है तो इसी के रिगार्डिंग हमें ये बताया गया है कि जापान की जो सिचुएशन है ये इन जेंडर नॉर्म्स की वजह से क्रिएट हुई है एंड इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना होगा ऑल्सो लव मैरिज रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं आ, हमें कम होता हुआ नज़र आया अब देखो इसकी वजह से क्या होगा क्योंकि इतना ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है इंडिविजुअल लेवल पर इतना ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं होता इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता वेर एज़ फैमिली वाइज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये यह बोल रहे हैं इसकी वजह से कंजम्पशन एज़ वेल एज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ अब देखो इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो ऐबे थे उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम है वुमेन नॉमिक्स अब वुमेन नॉमिक्स का मतलब ये है कि फ़ीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन है उसको आप आगे लेकर आओ जो लीडरशिप रोल्स हैं उनके अंदर आप वुमेन को लेकर आओ उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो जिससे वो आगे बढ़ सकें पर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि शिंजो आबतो तो नहीं हैं जो हमें फर्दर देखने को मिला कि जो डेडलाइन है उसको भी रिवाइज कर दिया ट्वेंटी थर्टी से अभी क्या हो रहा है रिसेंटली जापान के जो लैंड मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑल मेल लेक्चरर स्टाफ को लेकर आए वो एंड जब लोगों के बीच में आक्रोश आया इसको निंदा करने लगे तो उन्होंने 15 वुमेन्स को ले लिया कि चलो अब मेरी कोई बुराई नहीं होगी तो ये यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी भी हमें देखने को मिलता है चाहे पॉलिटिकली हो चाहे और कुछ डोमेन में हो कुछ ना कुछ वुमेन के कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि अगेंस्ट होता है तो यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि जेंडर पैरिटी के ऊपर ध्यान देना होगा वुमेन एजुकेशन के ऊपर उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा जेंडर नॉर्म से बाहर निकलना होगा मेल एज वेल एज़ फीमेल के जो रोल्स हैं उनको आप ऐसे नहीं बांटें ठीक है ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग है एंड बोला गया है कि इंडिया को इससे कुछ सीखना चाहिए 2047 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं एंड जो यहाँ पर जापान में सिनारियो हो रहा है जेंडर पैरिटी के रिगार्डिंग ठीक है हमें जो इनिकवालिटी देखने को मिल रही है वही से, सेम सेम चीज हमें नहीं देखनी है ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बोला गया चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं गुड मॉर्निंग संगीता गुड मॉर्निंग राम कुमार हैलो एवरी वन अब देखिए सॉप्स फॉर द वोट्स ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल फ्री के रिगार्डिंग है हर दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फ्री के रिगार्डिंग आ ही जाता है तो आज भी हमें एक आर्टिकल देखने को मिला एंड अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने थ्री जज बेंच बैठाई है जो कि देखने वाली है 2013 हज़ार तेरह सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज तमिलनाडु केस के रिगार्डिंग ऑल्सो फ्रीबीज के रिगार्डिंग बातचीत करने वाली है वेलफेयरिज्म के रिगार्डिंग बातचीत करने वाली है इलेक्शन के दौरान जो प्रोमिसज होते हैं इ फ्रीबीज क्या होता है फ्रीबीज नॉर्मली क्या होता है या फिर वेलफेयर स्कीम में आप क्या क्या चीज़ों को लेकर आओगे ठीक है इसके रिगार्डिंग ओवरऑल बातचीत होने वाली है इस बेंच के थ्रू अब देखो यहाँ पर 2013 के बारे में बताया गया कि इस जजमेंट में क्या हुआ था यहाँ पर जो डीएमके थी जब वो पावर में आने वाली थी उन्होंने ये चीज़ प्रॉमिस करी थी कि हम टेलीविज़न सेट्स को बांटेंगे कलर आ, फुल टेलीविज़न सेट्स को बांटेंगे एंड जब उनसे पूछा गया कि आप इसको क्यों बांट रहे हो तो उन्होंने बोला कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ दे, दशा देखने को मिलती है कि हम लोगों को मदद कर सकते हैं एंड इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं उनको टेलीविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग ये चीज़ बोला कि ये जो है ये करप प्रैक्टिस के अंदर नहीं आएगा बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट की गिविंग बेनिफिट टू एवरी वन दैट इज द पुअर एंड द वेल ऑफ वुड वॉलेट द इक्वालिटी नॉम इन आर्टिकल फोर्टीन तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर रिकनसिडरेशन हो रहा है कि करप्ट प्रैक्टिस कौन कौन सी डिक्लेयर करी जाएंगी और जो आर्टिकल 14 के वॉलेटिव है कि नहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस बेंच के थ्रू बातचीत करी जाएगी जो कि 2013 में कुछ अलग सिनेरियो था 2013 में बोला गया कि इसको आप करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोलोगे अब देखो डी ने ये जो टेलीविजन सेट बांटे इसके रिगार्डिंग ये बोला कि हम क्या करना चाह रहे हैं हम जनरल नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं हाउस होल्ड वुमेन के अंदर उनको ज़्यादा अवेयर करवाना चाह रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादातर uh, घर की चर चार, चार दीवारी के अंदर रहती हैं तो उनको बाहर के सिनेरियो के बारे में नहीं पता रहता तो वी आर ट्राइंग टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो इसके बाद क्या होगा जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कम हो जाएगा ठीक है ये पूरा हमें देखने को मिला अब इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट इन सब डिस्कशंस के बारे में लेगा 2013 के जो जजमेंट था उसके बारे में फिर से रिकन्सिडर करेगा ऑल्सो वाइल्ड प्रोमिसज ऑफ लार्गेज जो हैं ठीक है उनके बारे में बातचीत करी जाएगी मैनिफेस्टोज के बारे में बातचीत करी जाएगी एंड सुप्रीम कोर्ट एक और चीज़ बोल रहा है कि अगर मैनिफेस्टो के अंदर आप कोई भी ऐसा कोई प्रोमिस करते हो तो आपको ये भी बताना है कि आप पैसा कहाँ से लाओगे ठीक है यू हैव टू ऑलो से कि मनी टू पे फॉर देम कहाँ से आएगा तो ये चीज़ आपको सर्टेन करनी होगी ऑल्सो कितना पैसा लगेगा ये चीज को भी आप सर्टेन करो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी के रिगार्डिंग एक वरी भी सामने रखी है कि क्या होता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वैन दे विन इलेक्शन क्योंकि ये बड़े बड़े वादे कर चुके होते हैं तो हमें फर्दर देखने को मिलता है कि जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो कहाँ जाता है वो इन सब चीज़ों में चला जाता है फ्रीबीज के लिए चला जाता है या फिर आ, और सब ठीक है ये जो प्रामिस करते हैं इनके लिए चला जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है स्टेट के जो फिनंस हैं वो ड्राई हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं तो हमें पब्लिक मनी का भी ख्याल रखना है अब देखो कुछ ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन असेंशियल कॉमोडिटी एंड अगर आप इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर इसको लिख रहे हो तो ये एक तरीके से इलेक्टोरल ब्राइब माना जाएगा कि आप ब्राइब करने की कोशिश 1, 2, of of कर रहे हो ठीक है करट प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन वन टू थ्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और जो कुछ ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को ये सब प्रोवाइड करते हो तो आर्टिकल फोर्टीन के जो मेन जो मेन सिद्धांत हैं उसके ये अगेंस्ट हो जाएगा आर्टिकल फोर्टीन इक्वालिटी बिफोर द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसके ये अगेंस्ट हो जाएगा ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बातचीत करने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो देखो बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो ऐसा थोड़ी है कि सबका इन रियलिटी आ जाता है सिर्फ एक ही तो पार्टी हमें फर्दर आती हुई नजर आएगी कि हाँ वो इन इन मेजोरिटी आ गई है या फिर कॉलिजन बना तो अलग बात है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टो तो जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ जाती हैं तो इसको हम करप्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते वन हैंडेडली तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई हैं बेसिकली एक तो ये आर्टिकल आया था ऑल्सो इसके रिगार्डिंग एक हमें एडिटोरियल देखने को मिला था तो दोनों को ही हम कलेक्टिवली यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब देखो इज द कोर्ट मूव टू रिव्यू द बालाजी जजमेंट सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखना चाह रही है कि फ़्रीबीज़ का क्या मतलब है ऑल्सो ये चीज़ देखना चाह रही है कि ऐसा नहीं हो कि स्टेट बड़ी बड़ी वादे करने की वजह से बयानबाजी करने की वजह से बैंकपसी के राह पर चल दे या फिर उनके पास फिनंसिस ही नहीं हो या फिर स्टेट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेक हो जाए ठीक है इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा ऑल्सो इ रिजनल फ्री में क्या आता है वेलफेयर स्कीम्स में क्या आता है ठीक है इन सब चीज़ों के यहाँ पर बातचीत होगी इसके रिगार्डिंग तो ये सब हम देखेंगे आगे जैसे जैसे मुझे लगता है कि और भी आर्टिकल्स इसमें आते रहेंगे तो उनको हम डे टू डे बेसिस पर कवर करते रहेंगे चलिए आगे मूव ऑन करते हैं इंडियन पिन कोड की रिगार्डिंग हमें यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिला है आपने ऐसे देखा होगा ठीक है पिन कोड होता है हर जगह का ठीक है रीजन इन इंडिया सब रीजन सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड देन पोस्ट ऑफिस ठीक है ऐसे ऐसे जो नंबर है वो सिग्निफाई करते हैं आप देखिए यहाँ पर यह बोला गया है कि पिन कोड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने 50 साल कंप्लीट कर लिए अगस्त 15 1972 को पिन कार्ड पिन कोड जो है ठीक है पोस्टल इंडेक्स नंबर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये सोचकर इंट्रोड्यूस किया गया था कि यूनिक आइडेंटिटी हम प्रोवाइड कर देंगे हर फिज़िकल एड्रेस को जिससे आसानी होगी डिलीवरी के लिए तो यहाँ पर ये चीज़ आई थी जिससे और भी ज़्यादा फास्ट हो सके और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सके ऑल्सो एक देश जो कि जस्ट आज़ाद हुआ था उस टाइम पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी वाइज हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो ये पिन कोड को लेकर आना वॉज रियली अ रिवोल्यूशन क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मदद करी ग्राउंड रियलिटीज़ पर और पोस्ट ऑफिसेज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया फास्ट डिलीवरी कहीं ना कहीं आई अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विद टाइम इसकी जो रेलेवेंस है वो कम हो गई है ठीक है बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है जैसे कि जिप कोड हो गया पोस्ट कोड हो गया ठीक है ये सब चीज़ें एंड इस नंबर के थ्रू आप कहीं ना कहीं एक्यूरेट आप किसी का एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इतना साल यहाँ पर हो गया है पर अभी जो ये जो पिन कोड की अगर हम मान्यता देखें या इसकी रेलिवेंस देखें वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है अब हमें देखने को मिलता है कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लोगों के पास व्हाट्सएप है ठीक है बहुत सारी अलग अलग उनके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ठीक है जिसके थ्रू वो बातचीत करते हैं तो अभी सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है तो पिन कोड की जो रेलेवेंस है वो विद टाइम हमें कम होती हुई नज़र आई है यहाँ पर ये यह बोला गया है कि पर्सनल मेल हैज़ ऑलमोस्ट वैनिस्ड आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी बिल्कुल लगभग वैनिश ही हो गया है एंड पोस्टल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं आर डॉक्यूमेंट्स एंड ई कॉमर्स पार्सल वेयर देयर इज स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द कोरियर्स ठीक है तो ये स्टिफ कॉम्पिटिशन भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं अब देखो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो डिलीवरी जू है ऑफ़ पोस्ट ऑफिस इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू बीट्स ठीक है इनको ना बीट्स में डिवाइड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को एंड हर बीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ऑफिस हमें जो पोस्टमैन है उनको लेकर आया जाता है अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पोस्टमैन होते हैं वो बाइसाइकिल पे हमें आते हुए नज़र आते हैं ठीक है आपने अगर आर के नारायण की कहानियाँ देखी हैं उसमें भी दिखाया जाता था ठीक है तो बहुत पहले पहले तो बहुत ज़्यादा ये ऐसा था कि बहुत फैंटिसाइज वे में देखा जाता था इस चीज़ को पर अभी तो क्या है अभी तो रेलिवेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पोस्टमैन जो हैं वो बाइसाइकल पे आते हैं एंड अब तो बहुत फ्यू जो उनके पास रह गए हैं कि उनको डिलीवर करने होते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे मोड्स हैं जिनके थ्रू लोग कहीं ना कहीं ई कॉमर्स पार्सल को मंगवाते हैं अपने घर के अंदर ठीक है डिलीवरी को यूज़ करते हैं ठीक है ये सब चीज़ें अब यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें सेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है पार्सल डिलीवरी सेंटर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है जिससे ये जो पिन कोड को हम लेकर आए थे जो मेन हमारा थाट था उसको हम कहीं ना कहीं री कर सकें तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था अगला आर्टिकल देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है ये वोटर आईडी है आधार है यहाँ पर कंसर्न अराउंड आधार एंड वोटर आईडी लिंकेज के बारे में बताया गया अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि जो ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं बार बार हमें देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि आप अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करो एंड बहुत सारे लोगों को तो ये भी फेस करना पड़ा कि उनको ये बोल दिया गया कि अगर लिंक नहीं करोगे तो आपकी वोटर आईडी जो है उसको हम नहीं मान्यता रखेंगे उसको मानेंगे नहीं तो ये कब के बाद स्टार्ट हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन स्टार्ट किया इसके लिए प्रमोशन के लिए कि आप वोटर आई को आधार से लिंक करो अगस्त वन से ये स्टार्ट हुआ है ठीक है उसके बाद से ज़्यादा ये हमें इन न्यूज़ देखने को मिल रहा है अब देखिए फॉर्म सिक्स बी यहाँ पर बताया गया है फॉर्म सिक्स बी में ये चीज़ लिखी गई है कि जो आधार इन्फॉमेसन है दैट मे बी सबमिटेड टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कि आप अपनी आधार इन्फॉर्मेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उन तक आप सबमिट कर सकते हैं हाउ एवर द ऑप्शन टू सबमिट अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट इज एक्सरसाइजेबल ओनली इफ द वोटर इज़ नॉट एबल टू फर्निश देयर आधार नंबर बिकॉज दे डू नॉट हैव एन आधार नंबर अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है फॉर्म सिक्स बी के अंदर पहला तो ये बोला गया है कि आधार की इन्फॉर्मेशन आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दे सकते हो दूसरा यहाँ पर यह बोला गया है कि सपोज करो आपके पास आधार नहीं है आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उस टाइम पर आपके जो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो तो फॉर्म सिक्स बी के रिगार्डिंग ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या ये मैंडेटरी है लिंक करना वोटर आई को आधार से क्या ये मैंडेटरी नहीं है या फिर आधार ही सिर्फ रेलिवेंस रखता है तो ये ही सब आर्ग्यूमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं और सो देखो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो इसके थ्रू वॉयलेट करने की कोशिश कर रही है हमारा राइट टू प्राइवेसी एंड हमारे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रही है सर्विलेंस रखने की कोशिश कर रही है अब देखिए इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन रेगुलरली क्या करता है अपडेट करता रहता है अपने रिकॉर्ड्स को वोटर बेस को जैसे जब भी इलेक्शन आए तो उनको नुकसान नहीं हो उनको फ़ायदा रहे अब देखिए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू वीड आउट डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स क्या होता है कभी कभार कि जो वोटर्स हैं वो अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इनको फेज़ आउट करने के लिए इनको हटाने के लिए डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी जो लिस्ट है उसको क्या करते रहते हैं उसको अपडेट करते रहते हैं तो यहाँ पर यह बोला गया कि इस अपडेट करने के दौरान अगर आधार कहीं ना कहीं सामने होगा लिंकेज होगी आधार की वोटर आई से तो इनको बहुत ज़्यादा मदद होगी एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया को भी ओवरऑल इसके थ्रू मदद होगी तो यहाँ पर दोनों ही बातें बताई गई हैं कि कन्फ्यूज़न क्या है एंड ऑल्सो आधार एंड वोटर आई को लिंक करने के लिए सरकार क्यों कह रही है 2021 के अंदर पार्लियामेंट ने पास किया इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसने अमेंड किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को एंड इसके रिगार्डिंग ये चीज़ बोली गई कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ स्टैबलिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन यानी कि इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी देखने के लिए ठीक है उनके बारे में बैकग्राउंड जानने के लिए इसको कहीं ना कहीं ले सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज इन टू इलेक्टोरल रोल्स फॉर मोर देन वन कंस्टिट्युएंसी और मोर देन वन इन द सेम कंस्टिटुएंसी ठीक है अगर ऐसा नहीं हो कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में आपका बार बार नाम है या फिर ओवरऑल आपका बहुत जगह नाम है ठीक है ये सब कन्फ्यूजन हटाने के लिए ये क्या कर सकते हैं ये आपकी आधार डिटेल्स ले सकते हैं तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला गया कि आधार नंबर यहाँ पर मदद करेंगे जिसे हम फेज़ आउट कर सकें इन सब नेम्स को एंड ज़्यादा बेटर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन डेटा को सामने लेकर आ सके 2022 में क्या हुआ गवर्नमेंट ने चेंज लाए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के अंदर एंड यहाँ पर यह बोला गया कि हर इंसान को जिनका नेम लिस्टेड है इलेक्टोरल रोल के अंदर उनको आधार नंबर को अपने बताना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है कि क्या आधार एंड वोटर आईडी को लिंक करना ऑप्शनल है ठीक है देखो इस चीज़ को बोला भी गया है क्या? कि ये ऑप्शनल है पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सिनेरियो है वो ये बत, बत, बता रहा है कि नहीं ये मैंडेटरी है आपको करना ही करना होगा नहीं तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा तो इसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी सर्टेन करना होगा नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऐसे ही लोग जो हैं वो इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करते रहेंगे बोलेंगे कि आप हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉलेशन कर रहे हो एंड फॉर्म सिक्स भी जो है उसको प्रॉपर वे में बताना होगा कि क्या अभी सिनेरियो है अब देखो वाई इज द मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आई डी एंड इशू इशू क्यों है सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि 99.7% परसेंट ऑफ़ द एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड है एंड यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि और सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मान्यता कम हो जाती है जब हम इस बेसिस पर देखें तो पहला तो ये इशू है उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आधार आ, बेसिकली uh, यहाँ पर ये यह बोला गया कि ये फ़ायदा होगा ठीक है यहाँ पर तो देखो फ़ायदा बोला गया बाद में हम देखेंगे कि नुकसान क्या है डिफिकल्टीज क्या है यहाँ पर फ़ायदा बोला गया है कि पहला फ़ायदा ये है कि 99 नाइन पॉइंट सेवन जो हमारी पॉपुलेशन है एडल्ट पॉपुलेशन है उनके पास इस समय आधार है तो और सब डॉक्यूमेंट्स के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास फ़ायदा है जब हम आधार की बात करते हैं उसके बाद देखो आधार में क्या है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है आपका बायोमेट्रिक डेटा है जो कि ज़्यादा रिलायबल क्विक एंड कॉस्ट एफिशियंट माना जाता है इसलिए भी सरकार कह रही है कि आप आधार का इस्तेमाल करो तो ये दो एक तरीके से फ़ायदे हैं जो कि सरकार सामने लेकर आ रही है अब देखो पुट्टु केस में क्या कहागा पुट्टोस्वामी केस में इसी के रिगार्डिंग दो नहीं है बट थोड़ा सा इससे हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि बातचीत हुई कि क्या मैंडेटरी है लिंक करना आधार को बैंक अकाउंट से क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार होनी चाहिए बैंक अकाउंट से जो न्यू बैंक बन रहे हैं अकाउंट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अभी जो सिनेरियो है उसमें क्या है क्या ये मैंडेटरी है या ये वॉलंटरी है ठीक है या फिर आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है क्या डिफ़िकल्टीज हैं पहले तो ये है कि आधार को एक तरीके से आप डिटरमाइन करना वोटर्स के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो पर आधार एक प्रूफ नहीं है सिटीज़नशिप का इसको हमने बार बार कवर किया है ये आपका प्रूफ है रेजिडेंस का कि आप इस देश के अंदर रह रहे हो या आप एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हो पर ये ये प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हो तो पहले तो ये चीज़ है डुप्लीकेशन भी हो सकती है इस चीज़ की इसका मिसयूज़ भी हो सकता है दूसरा चीज ये कि एरर रेट अभी भी काफ़ी हाई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 में ये चीज़ बोली कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इट हैव ऑलमोस्ट 12 परसेंट ऑफ दी एरर रेट विच इज़ रियली हाई अब देखो इतना ज़्यादा अगर एरर रेट है तो किसी भी इंसान को कहीं ना कहीं ये आ, हमें देखने को मिलता मिलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें लिमिट कर दिया जाए कि आप वोट नहीं कर सकते या फिर आपको फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है तो ये यह यहाँ पर प्रॉब्लम है जो कि सामने खड़ी हुई है ऑल्सो देखो सिविल सोसाइटी ये बोल रही है कि आधार का जो अगर हम देखें वहाँ पर उसके अंदर हमारी बायोमेट्रिक डेटा होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसका वॉयलेशन किया जा सकता है एंड सरकार जो है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इसके थ्रू नज़र रख सकती है तो ये पूरा आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग बोल रहा है कि सर सरकार क्यों इसकी बात कर रही है ठीक है क्या बेसिकली थाट है इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट का इसके रिगार्डिंग लिंक क्यों होना चाहिए एंड क्या डिफ़िकल्टीज़ है अगर हम देखें कि लोग क्यों इसके अगेंस्ट आ रहे हैं आप देखो इवन एज द अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड एंड द इलेक्शन कमीशन हैड लॉन्च अ कैंपेन फॉर लिंकेज रिट पटीशन एक लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करने के लिए हमने देख लिया क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको चैलेंज किया जा रहा है कि पुट्टुस्वामी केस में जो राइट टू प्राइवेसी बताया गया था आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर आता है वो वॉयलेट हो रहा है प्राइमरीली एंड इसलिए इसको हटा देना चाहिए तो अभी विद टाइम हमें क्या ज़रूरत है हमें ज़रूरत है कि जो सरकार है वो फॉर्म सिक्स बी के बारे में क्लैरिफाई करे कि क्या ये मैंडेटरी है या ये मैंडेटरी नहीं है या ये ऑप्शनल है ठीक है जो भी चीज़ है वो सामने लेकर आओ नहीं तो क्या होगा लोग जो है वो इसके अगेंस्ट खड़े होते रहेंगे चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं अगला एक हमें कैशे आर्टिकल देखने को मिला द साइबर थ्रेड टू मोबाइल बैंकिंग बड़ा सा एक आर्टिकल था इसमें बहुत सारे एक्ट्स एंड ऑल थे इट वॉज नॉट ऑफ मच रेलिवेंस पर देखो जब हम साइबर थ्रेड की बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए अब देखो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल सब लोग करते हैं ठीक है आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है आपको किसी को पैसे देने हैं आपने एकदम से दे दिए मनी आप अपने फ़ोन के थ्रू ठीक है तो हर चीज़ फ़ोन के थ्रू चल रही है अब इसी के बाद क्या देखने को मिल रहा है हमें कि अब इतनी ज़्यादा थ्रेट भी बढ़ रहे हैं ठीक है वायरसेज के थ्रेट बढ़ रहे हैं साइबर अटैक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया देखो साइबर अटैक क्या होता है मेलिशियस या डेलीबरेट अटैम्प्ट है जिससे आप एक इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को उनके इन्फॉर्मेशन को आप सीख कर सको ठीक है एंड उनसे कहीं ना कहीं पैसे ऐड सको इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कि जो भी आपका आ, बैंक है ठीक है वो आपको मैसेज के थ्रू ये बताता रहता होगा कि हम आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन सीख नहीं करेंगे हम आपसे आपका अकाउंट नंबर एंड ऑल ठीक है ये सब चीज़ें नहीं मांगेंगे ठीक है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी मैसेजेस आते रहते हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि आपका जो फ़ोन है वो आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है ठीक है आप डिजिटली हर चीज़ कर रहे हो ये बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है आप तो सब कुछ बहुत आसान हो गया है बहुत क्विक हो गया है पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सामने खड़ी हो गई हैं एंड वी हैव टू वर्क वेरी वाइजली तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था चलिए अगला देखते हैं टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस राजनाथ रिलीजेज़ थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट अब देखिए राजनाथ जी जो हैं हमारे जो आ, आ, हमें देखने को मिला है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो क्या लेकर आए हैं उन्होंने बोला है कि हम इंडीजिनाइजेशन लिस्ट पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट या जिसको पीआईएल कहते हैं उसको लेकर आने वाले हैं ठीक है उसको अप्रूव कर दिया है थर्ड पीआईएल को इन्होंने अप्रूव कर दिया है डिफ़ेंस मिनिस्टर जी ने अब देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा सेल्फ रिलायंस हमें देखने को मिलेगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे डिफ़ेंस मैन्यूफैक्चरिंग uh, की अगर हम बात करते हैं या फिर मिनिमाइज करने की बात करते हैं इम्पोर्ट्स को क्योंकि डिफेंस के रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं अपनी देश में और सब कंट्री जैसे रशिया हो गया फ्रांस हो गया ठीक है इनसे हम मंगवाते हैं तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी अगर हम खुद सेल्फ रिलायंट होंगे तो ये एक थर्ड लिस्ट हमें आती हुई नज़र आई है एंड इसके थ्रू बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा बहुत सारे आइटम जो हैं यहाँ पर इंडिजनाइज करे जाएंगे अब देखो इंडिजनाइजेशन का क्या मतलब है इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि हम कैपेबिलिटी को लेकर आ रहे हैं कि हम खुद से प्रोड्यूस कर सकें डिफेंस इक्विपमेंट को एंड उसको क्या कर सकें बेसिकली uh, हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें एंड इससे दो फायदे होंगे दो फायदे क्या है पहले तो सेल्फ़ रिलायंस हम अचीव कर पाएंगे दूसरा ये कि जो इम्पोर्ट्स का जो बर्डन है हमारे ऊपर वो कम हो पाएगा तो दोनों ही फायदे यहाँ पर हो पाएंगे इसी के लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि थर्ड पॉजिटिव इंडिजन इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है उसको हम लेकर आएंगे और सब देखो यहाँ पर मेक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि हम खुद से बनाए हमारे देश के अंदर ठीक है मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं इससे क्या होगा इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी ओवरऑल और हमें ही फायदा होगा चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं मोदी जी और पीपल टू जॉइन फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला कि हमें माल न्यूट्रिशन के खिलाफ खड़ा होना होगा ऑल्सो रिसेंटली हमें हमने क्या किया हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया 75 फ़ाइव ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस हमने कम्प्लीट किए हमने हमारा सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे बनाया तो इन्होंने कहा है कि हमें माल न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना होगा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा लोगों को और भी ज़्यादा मदद करनी होगी जिससे हम माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ सकें इन्होंने ये चीज़ कही कि जो पोषण अभियान है उसने बहुत ज़्यादा मदद करी है इसके रिगार्डिंग जल जीवन मिशन ने भी ज़्यादा एक प्रॉपर जो ठीक है इंडिया के जो लोग हैं ठीक है उनको कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन फ्री बनाने में मदद करी है फिर देखो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो सितंबर है जो आगे आने वाला मंथ है वो पोषण माह है ठीक है न्यूट्रिशन मंथ के रूप में देखा जाता है तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि माल न्यूट्रिशन अभी भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें वर्क करना होगा सोशल अवेयरनेस हमें और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी इसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में भी यहाँ चीज़ इन्होंने मैंशन करी कि एक प्रोग्राम है असम का जिसमें जो मदर है हेल्दी चाइल्ड के वो मीट करते हैं मदर ऑफ़ माइल न्यूट्रिशन चाइल्ड एंड आंगनवाड़ी के थ्रू ये देखने को मिलता है हमें एंड उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है ये सब चीज़ें ऑल्सो देखिए मोदी जी ने कहा कि यू ने एक्सेप्ट किया इंडिया के प्रपोजल को कि ट्वेंटी को ऑब्जर्व किया जाए एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स ठीक है तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ये यह बोला गया है तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था आपको पता है कि हर मंथ जो हमारे पीएम है वो मन की बात लेकर आते हैं तो उसके अंदर इन्होंने स्पेशली इस चीज़ के बारे में बोला है चलिए ये आर्टिकल हमने फर्स्ट में ही कवर कर लिया था ठीक है उसी में के बारे में यहाँ पर है कि इंडिया ने अब पहली बार मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट ठीक है ये हमने यूज़ किया है वर्ड तो यही चीज़ बोली गई है कि हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहे हैं ऑल्सो देखो चाइना जो है वो बार बार हमें बोल रहा है कि आप वन चाइना पॉलिसी के बारे में बोलो तो इसके रिगार्डिंग भी इंडिया ने बोला है कि इंडिया रेलिवेंट पॉलिसीज़ आर वेल नोन कि सबको पता है कि हम कैसे चल रहे हैं हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं एंड हम कैसे कंसिस्टेंट हैं एंड हमें बार बार कोई भी अपने स्टेटमेंट को रीट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है अब देखो वन चाइना पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो जब रिकॉग्नाइज किया गया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1949 के अंदर ठीक है उसके बाद इंडिया ने क्या किया इंडिया ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोला है ठीक है अनटिल हम इसको कहीं ना कहीं बोलते थे ठीक है इसको पब्लिकली कहीं ना कहीं इसको आगे कहीं ना कहीं रखते थे पर उसके बाद हमने इसके बारे में मेंशन करना बंद कर दिया वन चाइना पॉलिसी के बारे में मेंशन करना बंद कर दिया तो ये हमारा स्टैंड है जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है ऑल्सो देखो यहाँ पर ये यह बोला गया है कि अगर हम जी सेवन कंट्रीज़ की बात करें कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके यूएस ठीक है उन्होंने भी अपना कंसर्न दर्शाया चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी के रिगार्डिंग एंड ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था तो इसको हमने पहले भी कवर कर लिया इसका कंटिन्यूएशन है बस यहाँ पर चलिए अगला देखते हैं इंडिया चाइना आई अलाइज़ ऑफ वियतनाम तो वियतनाम के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है वियतनाम की अगर हम ध्यान से नोटिस करें वियतनाम को तो वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी एक आपको फ्रेंडली पॉलिसी देखने को मिलेगी वियतनाम ये कहता है कि हम किसी भी कंट्री से कोई भी टाइप की लड़ाई झगड़े में नहीं अड़ना चाहते एंड वियतनाम जो है वो चार प्रिंसिपल्स को मानता है पहले तो ये कि ये कोई भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे दूसरा ये कि ये किसी वन कंट्री टू फाइट अनदर कंट्री ठीक है इसके लिए कहीं ना कहीं खड़े नहीं होंगे उसके बाद है नॉट टू अलाउ लाउन लैंड टू बी यूज टू अनदर कंट्री ठीक है ये अपने लैंड को अपनी जगह को दूसरे कंट्री के लिए कहीं ना कहीं सामने नहीं रखेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करो एंड ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चार प्रिंसिपल हैं जो कि इनकी फॉरेन पॉलिसी के मेन हैं जिनको ये यूज़ करते हैं अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंडिया एज वेल एज चाइना दोनों ही हमारे अच्छे फ्रेंड हैं दोनों ही हमारे स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं एंड यहाँ पर यह बोला है कि इंडिया एंड वियतनाम ने सपोर्ट किया है अपने आप को एक दूसरे को एंड हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं दोनों दोनों ही कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं मिडिल पाथ में मानते हैं बुद्धा के पाथ पर चलते हैं एंड उन्होंने बोला कि दोनों ने ही कोविड नाइन्टीन पैंडमिक को भी एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है एंड ऑल्सो इन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे वीज़ाज़ इशू करे हैं इंडियंस के लिए इंडियन बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर पढ़ने आते हैं ऑल्सो यहाँ पर रिसेंटली मल्टी लेटरल एक्सरसाइज हुई है मिलान ठीक है तो मिलान याद रखना मिलान मल्टी लेटरल एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम तो यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है म्यूचुअल ट्रस्ट हमें बढ़ाना है ये सब बोला गया है वेतनाम ने ये चीज़ बोली है तो इन्होंने बोला कि इंडिया हो चाहे चाइना हो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं हमें ये नहीं करना कि हम किसी एक का साथ दे रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं या हम चाइना के साथ हैं हम दोनों के साथ हैं हमें दोनों के साथ अच्छे रिलेशन फॉर्म करने हैं ऑल्सो इन्होंने बोला कि इंडिया ने इनको हंड्रेड मिलियन डॉलर का आ, क्या दिया है एक डिफेंस का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है जिससे आ, क्या कर सकें ये प्रिक्योर कर सकें बारह हाई स्पीड बोट आ, को ठीक है एंड एक्सटेंडेड बाय इंडिया फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ ट्वेल्व हाई स्पीड बोट्स बाय वेतम ठीक है तो ये हमें यहाँ पर ये यह बताया गया है कि ये यह चीज़ यहाँ पर बोली गई है एंड फर्दर भी हम जो है अपने जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाएंगे तो ये जो आर्टिकल है इंडिया एंड वियतनाम के रिलेशन को बता रहा है ऑल्सो वियतनाम का क्या स्टैंड है ये बता रहा है पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको और सब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तो यहाँ पर वियतनाम की फॉरन पॉलिसी क्या है कि सबके साथ अच्छे आपको रिलेशन बना के रखने जिससे सबके साथ आपका फ़ायदा हो तो ये यहाँ पर ये इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है अगला देखते हैं मोदी इनग्रेट्स कैनाल इन कच्छ तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने संडे को इनाग्रेट किया है नर्मदा कैनाल को ठीक है इन द कच्छ रीजन तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल हमें देखने को मिला है और जो देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो नर्मदा कैनाल है वो पानी को लेकर आएगा टू पार्सड कच्छ फ्रॉम द नर्मदा सरोवर डैम इन साउथ गुजरात ठीक है तो कच्छ का जो एरिया है वहाँ पर हमें इसके रिगार्डिंग फ़ायदा देखने को मिलेगा ऑल्सो देखो इन्होंने एक और चीज़ बताई मोदी जी ने कि 2001 में अर्थ को अकाया था कच्छ के अंदर विच वॉज रियली सैड अनफॉर्चुनेट एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी एंड क्या हो रहा था कि हम तो यहाँ पर लड़ रहे थे एंड बहुत सारी जो अलग जो हमारे ओपोनेंट्स हैं ठीक है जो अपोजिशन में हैं वो एक तरीके से हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे पर हम रुके नहीं हमने क्या किया हम कच्छ को सामने लेकर आए हमने कच्छ के ऊपर वर्क किया एंड और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी ठीक है ये सब यहाँ पर इन्होंने बोला है एंड बोला है कि हमने कच्छ को वन ऑफ़ द बिगेस्ट बेनिफिशरी बनाया एंड उसको एक फ़ायदा दिया ऑल्सो यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि जो गुजरात है इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर आई एंड यही एक्ट जो है मोडिफाइड वे में हमें नेशनली आता हुआ नज़र आया तो गुजरात हमेशा से ही एक एक एग्जाम्पल uh, के रूप में रहा है ये मोदी जी ने कहा है ऑल्सो देखिए इन्होंने ये चीज़ कहा कि हमने कच्छ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है कच्छ के अंदर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर आए हैं एंड हमने कच्छ की ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाया है तो तो यही सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली हैं एंड कच्छ जो है इसके बाद हमें इमर्जिंग एक तरीके से एरिया होता हुआ नज़र आया ठीक है तो ये यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को सर्टेन किया है अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा कच्छ का रीज़न ठीक है ये वाला जो आप देख रहे हैं ठीक है दिस इज़ कच्छ का रीजन यहाँ पर हमें देखने को मिला है रहा नर्मदा मेन कनाल ठीक है एंड हेयर इज सरदार सरोवर डैम तो ये जो आर्टिकल था इसी के रिगार्डिंग था चलिए आगे मूव ऑन करते हैं कुछ कुछ हमें छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिले देखिए द हिंदू में हर आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं होता बस ये है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका आपको बस आपको हेडलाइन पढ़ने की ज़रूरत है जैसे कि जे एन जे जॉनसन एंड जॉनसन टाल्क बेस्ड पाउडर स्टिल ऑन सेल इसको हमने पहले भी कवर किया है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो टेलकम पाउडर है उसका सेल हटाने की बातचीत हो रही थी पर अभी भी क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि वो डोमेस्टिकली uh, अवेलेबल है उसकी सेल हो रही है क्यों यहाँ पर हटाने की बात करी जा रही है क्योंकि कैंसरस हमें ये देखने को मिलता है ठीक है कैंसर ये कॉज कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली तो यहाँ पर ये चीज़ है उसके बाद देखो अगला विद मल्टीपल बॉर्डर सब डिस्प्यूट्स इंडिया चाइना इज़ फॉर अ रॉकी पीरियड तो ये एक पर्टिकुलर uh, इंसान के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था एंड इसमें यह बताया गया कि जब तक इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है ये सॉल्व नहीं होता हमारा ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो है वो बेटर नहीं हो पाएगा इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े से बिटर स्वीट रहेंगे ही रहेंगे जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी एंड इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है, जो हम एशिया राइस की बात करते हैं वो भी तभी हो पाएगी जब इंडिया एंड चाइना अपने बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें एंड जो बॉर्डर की इशू है उसको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना होगा तो यही इस आर्टिकल के अंदर था उसके बाद देखिए पाक सीट्स एड एज फ्लड क्लेम ओवर थाउजेंड लाइफ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर हमें फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के एरिया में स्पेसिफिकली तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया था उसके बाद देखिए यूएस एस सेल थ्रू ताइवान स्टेट यहाँ पर क्या है कि जो यू के जो वाट्सएप है वो आफ्टर यू एस की जो स्पीकर थी नानसी पेलोसी उसके बाद अब हमें देखने को मिला है कि वो ताइवान स्टेट का जो पैसेज है वहाँ से गुजरे हैं ठीक है तो यहाँ पर ये यह बोला गया कि विद टाइम हमें आ, आगे आगे अब थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है ठीक है एंड ऑल्सो टेंशन जो क्रिएट हो गई थी चाइना कहीं ना कहीं अगेंस्ट खड़ा हो गया था ठीक है ताइवान के एंड्रेल जनॉल कर रहा था ठीक है तो ये वही सब बातें बताई गई हैं जो कि हम पहले भी बहुत सारी बार हम कवर कर चुके हैं आज भी हमने कवर किया ठीक है वही सारी बातें हैं बस ये है कि यू का जो वॉरशिप है वो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में इसके थ्रू सेल होता हुआ नज़र आया चलिए आगे देखते हैं नासा मून रॉकेट सेट फॉर लॉन्च टुडे नासा आ, का जो न्यू मून रॉकेट है इट रिमेंड ऑन ट्रैक टू ब्लास्ट ऑफ ऑन अ क्रूशल टेस्ट फ्लाइट ऑन मंडे ठीक है तो आज यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा एंड 98 एट मीटर स्पेस लॉन्च सिस्टम है रॉकेट है ये एंड मोस्ट पावरफुल माना जा रहा है जो कि नासा ने अभी तक बिल्ड किया है तो इसके रिगार्डिंग कल हमें प्रॉपर एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा ये बात तो पक्की है तो उसको हम फिर और भी एक्सटेंसिव रूप से कवर कर लेंगे तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अभी जो नासा है जो मून रॉकेट uh, है इट विल बी सेट फॉर लॉन्च टुडे अगला देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन विल्स पर ग्रोथ ठीक है निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो मेजर स्टेप है जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर आएगा एंड ग्रोथ को इन रियलिटी एक एक इंसान तक कहीं ना कहीं पहुंचा पाएगा अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो हर इंसान को टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड हों ठीक है ऑल्सो स्पेशली जो वर्नरेबल ग्रुप हैं जो वीकर सेक्शन है उनको स्पेसिफिकली प्रोवाइड होनी चाहिए अफोर्डेबल कॉस्ट में तो ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कह रही है कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा इसके थ्रू हमें इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी या ओवरऑल जो हमारी मार्जिलाइज सोसाइटी भी है उसको भी हम आगे बढ़ा पाएंगे ऑल्सो यहाँ पर जनधन अकाउंट्स की यहाँ पर बातचीत करी गई है कि इसके थ्रू भी हमने बहुत ज़्यादा मदद करी है ठीक है वुमेन का एम्पावरमेंट भी हुआ है उसके बाद देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमने प्रोवाइड किया है सब लोगों को ठीक है एंड उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया है कि आ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम लेकर आए हैं रुपे कार्ड्स को हमने आगे बढ़ाया है पी किसान ने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद करी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो मिला मिला था ठीक है लोगों को उससे भी उन्हें सहायता हुई है तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो सीधा सीधा इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी मार्जिलाइज सोसाइटी जो है वो भी आगे आती हुई नजर आएगी तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था चलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यही सारी खबरें थी उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा इजी लगा होगा आप मेरे साथ ऐसे ही डेली द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन उसको ज़रूर प्रेस करिएगा स्टडी आयस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी आयस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पी चाहिए रिविजन के लिए बाद में तो आप पी को ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको हर दिन पी मिल जाएगी चलिए मिलते हैं कल बाय एवरी वन टेक केयर